17वें लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव में देश में बीजेपी और एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद जहां एक तरफ एनडीए और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, वहीं पटना के लंगर टोली के भारत माता मंदिर में महिलाओं ने पीएम मोदी की जीत के बाद भजन कीर्तन किया। बता दें कि इस दौरान सैकड़ों किलो दूध से महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के पोस्टर को दूध से अभिषेक किया। आपको बता दें कि 17वें लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव में देश में और बीजेपी और एनडीए के ऐतिहासिक जीत के बाद जहां एक तरफ एनडीए और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, वहीं पटना के लंगटोली के भारत माता मंदिर में महिलाओं ने पीएम मोदी की जीत के बाद भजन कीर्तन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान सैकड़ों किलो दूध से महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के पोस्टर को दूध से अभिषेक किया। उसको नहाओ ना, इसको इसको हाँ, उधर देखिए, मिल गई बोला, फोटो थोड़ा सा इधर भैया, हाथ में मत उसको नहाओ ना। वहीं दूसरी तरफ पटना में एनडीए की जीत के बाद खुशी लोजपा में कि जिला कार्यकर्ताओं की ओर से संत पशुपतिनाथ वैद्य विद्यालय के कैंपस में बच्चों ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से अभिषेक किया। बता दें कि इस दौरान शंखनाद की गूंज और मंत्रों के उच्चारण से पूरा माहौल मोदीमय हो गया। एनडीए की भारू बहुमत से सरकार बनी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी, रामकृपाल यादव जी, रविशंकर जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हम लोग दुधाभिषेक कर रहे हैं। भगवान के स्वरूप देख रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की। इनके साथ ही साथ देश की तमाम जनता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदाब सलाम करता हूँ। उन्होंने एक भारी बहुमत से एनडीए को जिताने का काम किया, इसके लिए लख लख बधाई तमाम जनता को। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।